और अब बात करेंगे कारगिल दिवस की। जी हां, आज शहादत को याद किया जा रहा है, शहीदों को याद किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो पूरी जानकारी आपको बताएंगे कारगिल दिवस पर क्या है आज खास। तो शौर्य और पराक्रम के 23 साल और इन 23 सालों को आज पूरा देश नमन कर रहा है, शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है। कारगिल दिवस के 23 साल पूरे हुए हैं, बड़ी जानकारी। और आज कारगिल विजय दिवस पर देश भर में शहीदों को नमन किया जा रहा है। कारगिल युद्ध को याद करते हुए किस तरह से जो ये शहीद हमारे वीर सैनिक जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, आज उन्हें याद किया जा रहा है। द्रास में भी श्रद्धांजलि सभा रखी गई और इसके साथ ही साथ नेशनल वॉर मेमोरियल जहां पर आज शहादत याद किया गया और श्रद्धांजलि दी गई वीर सैनिकों को। पीयूष इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। पीयूष, क्योंकि अलग अलग जगहों पर देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, शहीदों की शहादत को याद किया जा रहा है, नेशनल वॉर मेमोरियल में क्या कुछ अभी तक हुआ है, किस तरह से श्रद्धांजलि दी गई? देखिए, आज सुबह से कार्यक्रम नेशनल वॉर मेमोरियल में चल रहा था, जिस कार्यक्रम में खुद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पहुंचे थे। और जो उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, उसके बाद तमाम जो सैनिक हैं जिन्होंने कारगिल में अपने श्रद्धा अपनी शहादत दी थी, 527 ऐसे जवान थे जिसमें अफसर भी थे, सैनिक भी थे, उन्होंने कारगिल के उस वॉर में अपनी शहादत दी थी 1999 में, जिस वक्त नीतु ये वॉर हुई थी उस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्ती की एक शुरुआत माह जनवरी और फरवरी में हुई थी, एक बस यात्रा के जरिए, जिसकी शुरुआत उस तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। लेकिन वही दोस्ती की पीठ में खंजर भोंका था पाकिस्तान ने और 99 का ये कारगिल वॉर दिया था, जिस कारगिल वॉर में भारतीय सूरवीरों ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। अगर मैं बात करूँ कैप्टन मनोज पांडे की, बात करूँ कैप्टन विक्रम बत्रा की, अगर मैं बात करूँ ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव की, ये वो वीर थे जिन्होंने पाकिस्तान के उन लोगों के दांत खट्टे कर दिए थे जो घुसपैठियों के भेष में आकर भारतीय बंकरों में काबिज हो गए थे। चूंकि जो भारतीय सेना और पाकिस्तान के बीच में एक आपसी समझौता है कि जब बर्फ गिरती है तो सीमांत क्षेत्र को छोड़कर सेनाएं पीछे हो जाती हैं, लेकिन ठीक है पीयूष, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल क्या कुछ उन्होंने आज इस दिन को लेकर कहा है, सबसे पहले सुनिए। एवं विजय को नमन कर रहा है, कारगिल विजय दिवस के माध्यम से हम उनके बलिदानों को कृतज्ञता से याद करते हैं। मैं देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना का हर जवान देश की सुरक्षा में दृढ़ संकल्पित है और हर चुनौती का सामना करने के लिए, हर त्याग के लिए सदैव तत्पर है। जय हिंद। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने आज कारगिल दिवस पर शहीदों को याद किया, उनकी जो शहादत है उसको नमन किया जा रहा है और पूरे देश भर में कारगिल दिवस पर अलग अलग जगहों पर आयोजन किए गए हैं और वीर गति को प्राप्त जो सैनिक हैं उन्हें आज याद किया जा रहा है, उनके बलिदान को याद किया जा रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।